मृतक अधिवक्ता मनोज कुमार झा के मौत का राज से उठा पर्दा। आज एसएसपी कार्यालय में एसएसपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिवक्ता मनोज कुमार की हत्या का उद्भेदन किया गया। मौके पर बताया गया कि मृतक अधिवक्ता मनोज कुमार झा संजीवियर कॉलेज की ओर से रेडगांव के जमीन संबंधी कार्यों की देखरेख करते थे तथा उस जमीन पर अपराध कर्मी अफसर आलम उर्फ छोटू उर्फ लंगड़ा अपने अन्य सहयोगी के साथ दावा करता था, मगर न्यायालय द्वारा उक्त जमीन में संजीवियर कॉलेज के पक्ष में फैसला सुनाया गया था। अपराध कर्मी अफसर आलम उर्फ छोटू उर्फ लंगड़ा कुछ अन्य स्थानीय अपराध कर्मियों के साथ मिलकर योजना बनाया था कि अधिवक्ता मनोज कुमार झा की हत्या करने के बाद रास्ता साफ हो जाएगा, तब उक्त जमीन को बेचकर हम सभी आपस में पैसे का बंटवारा कर लेंगे। गिरफ्तार अपराधियों में सोनू अंसारी, इमदाद अंसारी, रिजवान अंसारी, संजीत मांझी, शकील अंसारी के साथ साथ देसी पिस्टल 7.65 mm का जिंदा कारतूस, बेलेनो कार, एक मोटरसाइकिल, मोबाइल जब्त किया गया। खबर 365 न्यूज के लिए रांची से अभिषेक की रिपोर्ट। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, दिनांक 26/7/21 को तमार थाना क्षेत्र के रड़गांव एक गांव के पास अधिवक्ता मनोज कुमार जी की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण एसपी साहब के नेतृत्व में एक SIT फ्रेम किया गया था, जिसमें कि एक टीम का नेतृत्व SDP बंडू अजय जी कर रहे थे और दूसरी टीम का नेतृत्व औचक छापामारी के लिए DSP हेडक्वार्टर 1 नीरज साहब कर रहे थे। बंगाल, उड़ीसा, इनफैक्ट बिहार के कुछ जगहों पे भी लगातार मेहनत करने के उपरांत इस कांड में सम्मिलित 5 लोगों की अरेस्टिंग की गई है, जिनके नाम सोनू अंसारी, इमदाद अंसारी, रिजवान अंसारी, संजीत मांझी और शकील अंसारी हैं और इनके पास से कांड में प्रयुक्त हथियार बरामद की गई है। साथ ही जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था उसका इस्तेमाल किया गया है। साथ ही जिस वाहन से अपराधकर्मी यहाँ से पुरुलिया, आसनसोल या किसी और जगह पे गए थे उस वाहन की बरामदगी की गई है। अभी भी कुछ अपराधियों की अभी जो शिनाख्त हो चुकी है, आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, उसकी छापामारी के लिए विशेष प्रयास जारी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ही जो 2-4 लोग बचे हुए हैं उसकी अरेस्टिंग भी हो जाएगी। कुल मिला के कह सकते हैं कि इस कांड में इस कांड को उद्भेदन के लिए कुल मिला के जिले के लगभग 15 पुलिस पदाधिकारी, जिसमें 2 DSP रैंक के ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स, 10-12 तकरीबन SI, ASI, टेक सेल, QRT सब के सब लगे हुए थे और लगातार मेहनत के उपरांत लगभग कह सकते हैं 16 जगहों पर ठिकानों पर छापामारी के उपरांत इस सफलता को प्राप्त हुई है और आगे की तफ्तीश की जा रही है। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।